बलरामपुर जिले में लोकसभा के लिए तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय में संगठन के लोगों के चुनाव से संबंधित बैठक ली। वहीं बस्तर लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान, बस्तर में पुलिस वालों को तीर धनुष लेकर हटाना चाहिए, को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं रामानुजगंज विधायक रामविचार नेताम ने गंभीर आरोप लगाया कि कवासी बस्तर में नक्सलियों के साथ गांठ से चुनाव लड़ते हैं और उनका यह बयान शासन प्रशासन और पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह का वक्तव्य दिया जा रहा है। इससे पुलिस का मनोबल टूट रहा है और नक्सलियों का मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे में उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। एक विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस को तीर धनुष से भगाना चाहिए। कितना सही और कितना गलत है सर बस्तर के लिए यह कवासी लखमा का बयान? देखिए, कवासी लखमा के बारे में समय समय पे कई तरह की बातें आते रहे और पहले भी कई आरोप लगे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसमें एक आरोप नक्सलियों के सहयोग करने का, इस तरह का भी आरोप है। तो ये नक्सलियों के सहयोग से ही उस क्षेत्र में लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी के वकालत करते हैं और शासन प्रशासन का मनोबल तोड़ने के लिए, पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने के लिए इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के द्वारा कमिटमेंट करना या इस प्रकार का वक्तव्य देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला है और इसमें निश्चित संज्ञान में लेते हुए इस तरह के जो पुलिस को मनोबल तोड़ने वाले जो लोग हैं और नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाने वाले लोग, इसके बीच के अंतर को समझना पड़ेगा और उसके आधार पे हमें तय भी करना।